भारतीय विदेश नीति की दशा और दिशा पर हम चर्चा कर रहे हैं विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से। सलमान साहब, विदेश नीति आज की तारीख में तय कहां से हो रहा है? प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तय कर रहे हैं या फिर शायद आर्मी चीफ तय कर रहे हैं? जो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि कौन विदेश नीति बनाता है, प्रधानमंत्री हमेशा विदेश नीति हिंदुस्तान में बनाते रहे हैं, उनको सहयोग देते रहे हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, सुरक्षा सलाहकार हो या और कोई व्यक्ति हो, वो उनको अपना परामर्श देते हैं, उनको सहयोग देते हैं, लेकिन नीति का जो दिशा निर्देश है वो तो प्रधानमंत्री से ही प्राप्त होता है। लेकिन यूपीए वन में जिस तरीके से एक के बाद एक हमने P5 के नेताओं को भारत आते देखा था, पीएम उस वक्त यूपीए वन में उनकी विदेश नीति जो है वो खास छाप छोड़ती हुई नजर आई थी, यूपीए टू में धीमे पड़ गए हैं ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री, उनको जगह नहीं दी जा रही है। यूपीए वन ने डाली थी उस पर भवन यूपीए टू में बन रहा है और उसको सजाएंगे हम यूपीए थ्री में, तो ये एक लगातार हमारा प्रयास है और वो आगे चलता ही रहेगा, लेकिन बहुत ठोस बुनियाद पर हम इस भवन को खड़ा कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था कि आर्मी चीफ आके बयान देते थे, आप राजा परवेज अशरफ से मुलाकात कर रहे होते हैं, उनसे लंच कर रहे होते, यहाँ उनका बयान आता है हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी, कैसे देखते हैं आप इस तरीके के बयानों को? इस बात को तो आपको अपने आप से पूछना है कि आज का जो वातावरण है उसमें मीडिया का जो रोल है, हर जगह मीडिया मौजूद है, हर जगह मीडिया अपेक्षा करती है कि कोई ना कोई कुछ कहेगा, तो इसलिए हम सबको अपने आप को ट्रेन करना पड़ रहा है। बंदूक तो नहीं रखी है ना हमने किसी के सर पर, और मीडिया सरकार का हिस्सा नहीं है। आपने बंदूक नहीं रखी है, लेकिन आपका जो माइक कभी कभी है वो बंदूक से कम नहीं होता है, और जितना धमाका बंदूक कर सकती है उससे कहीं ज्यादा धमाका आप लोग कर सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र में आज के वातावरण में मीडिया से किस तरह से डील किया जाएगा, इस सब चीज के लिए हम लोगों को सबको कुछ ना कुछ प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम लोग राजनीति में रहते हैं तो हम रोज आपसे मिलते हैं, आप हम लोगों को सिखा देते हैं, आप हमें ट्रेन कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप हमें ज्यादा ही श्रेय दे रहे हैं सलमान साहब। सही बात है, इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान पर कहते रहते हैं कि भाई आपकी एस्टैब्लिशमेंट जो आप पर हावी होती है, यहाँ आपसपा को लेकर भी हमें पता था कि चिदम्बरम साहब हक में थे कि कुछ नॉन बॉर्डर एरिया से उसे हटा लिया जाए, नहीं करने दिया आर्मी ने। पाकिस्तान के साथ भी जो है लगातार लाइंस कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों से तय कर दी जाती है, एक इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस है क्या आज की तारीख में हमारी सेना का, वायुसेना का कुछ अधिकार है, वायुसेना का कुछ अधिकार बनता है और जलसेना का अधिकार बनता है, आखिर ये लोग अपनी जान पर खेलकर हमारी सुरक्षा करते हैं, तो क्या इनके जो मुखिया हैं, इनके जो कमांडर्स हैं, उनकी बात को हम समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे? समझा भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, अंततः फैसला किसका है? सिविल अथॉरिटी का होता है। राहुल गांधी की विदेश नीति आज की तारीख में है क्या? देखिए, राहुल जी हर चीज पर नहीं बोलते हैं, उन्होंने अभी अपने को सीमित रखा है और प्राथमिकता दी है पार्टी को मजबूत करना, और पार्टी को मजबूत करके एक मजबूत स्तंभ हमारी सरकार के लिए बनाकर देना, लेकिन ये मत समझिएगा कि उनके इनपुट्स नहीं होते हैं या वो विदेश नीति में रुचि नहीं लेते हैं या वो विदेश नीति से बिल्कुल अलग थलग हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज में रुचि लेते हैं, ब्रीफ होते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और जब सही मौका होता है तो वो परामर्श भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आप लोगों के सामने हर चीज करें। दो साल का वक्त बाकी रह गया है अगले चुनावों में, उससे कम, उससे पहले भी हो सकते हैं, और जिस शख्स को पार्टी ये तो कहती है ना कि राहुल गांधी आपके पीएम कैंडिडेट, आप उनको देखना चाहते हैं, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, पार्टी कहती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उनको हमने नेता माना है तो हम कम से कम इतनी तो प्रतीक्षा करें कि वो जब कहें, वो जब इशारा करें तो हम उस इशारे पर चलें। आज उन्होंने कहा है कि चलो मजबूत करें पार्टी को, चलो जमीन की तरफ चलो, जमीन पे खड़े होकर अपनी जमीन को पहचानो और अपने हाथ को गंदा करने की तैयारी करो कि मट्टी उठाकर हमें इस देश को बनाना है। लेकिन उनकी इंडिपेंडेंट विदेश नीति है। नहीं, इंडिपेंडेंट विदेश नीति क्यों होगी? वो किस परिवार से हैं, वो किस संगठन से हैं, वो किस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आए हैं, वो सारा तो वो भूलेंगे नहीं ना, वो कहीं ना कहीं उन पर उसका भी प्रभाव होगा, असर होगा, और उसी परिप्रेक्ष्य में वो इस बात को भी करते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ विदेश नीति जो है सबको साथ लेकर चलने की बात है, हालांकि इसमें काफी बारी दरारें नजर आ रही हैं। फिलहाल हम लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब। तो विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से ये थी खास बातचीत, और खबरों का सिलसिला जारी IBN 7 पर। नमस्कार।